नमस्कार दोस्तों, एक समय पहले की बात है, एक राजा था। राजा आसपास के नगरों की यात्रा करने गया था। राजा को किसी ने दो तोते उपहार में दिए थे। राजा को वह तोते बहुत पसंद आए। राजा उन तोतों को लेकर महल में आ गए और राजा ने महल के बगीचों में तोतों के रहने का इंतजाम कर दिया। दोनों तोते राजा को बहुत प्रिय थे। राजा रोज उन्हें महल की खिड़की से देखता था। कुछ दिनों में राजा ने गौर किया तो तोते अपनी जगह से इधर उधर उड़ने लगे और फिर वापस वहीं बैठ जाते थे, लेकिन एक तोता अपनी जगह से हिलता नहीं था। दिन भर वह तोता पेड़ की शाखा पर बैठा रहता था। फिर राजा अपने महल के दूसरे लोगों से बात बताता है तो दरबारियों ने तोते को उड़ाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। महल के सभी लोग उन तोतों को उड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी के सभी असफल हो जाते हैं। तोता अपनी शाखा से बिल्कुल नहीं हटता है। यह देखकर राजा परेशान हो जाते हैं। सारे प्रयास फेल हो जाने के बाद राजा ने घोषणा करवा दी कि जो इस तोते को उड़ना सिखाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। यह बात सुनकर राज्य में एक से एक तोते पालने वाले राजा के महल में आते हैं, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। एक किसान एक दिन राजमहल में आता है और उसने राजा से कहा, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। राजा ने ये काम उस किसान को सौंप दिया। अगले दिन राजा ने खिड़की से क्या देखा कि तोता बगीचे के ऊपर आश्चर्यजनक रूप से उड़ रहा है। राजा ने किसान को महल में बुलाया। किसान राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। तब राजा ने किसान से पूछा, इतने सारे लोगों के प्रयास फेल हो गए लेकिन कोई भी तोते को अपनी जगह से नहीं हिला सका, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि तोता आसमान में उड़ रहा है? किसान ने सम्मान के साथ राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैंने कोई जादू नहीं किया है। ये तो बहुत आसान था, क्योंकि तोता जिस डाली पर बैठा था मैंने वो डाली काट दी। तोता नीचे गिरने के डर से पंख फड़फड़ाने लगा और आसमान में उड़ने लगा। तब राजा ने उस किसान को उचित इनाम दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब भी हम जीवन में असफल रहते हैं तो उन कारणों को खोजना चाहिए, उस आरामदायक जीवन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी क्षमताओं के रहने के बावजूद हमें कामयाबी की उड़ान उड़ने नहीं देते। जीवन में अगर कोई रुकावट है तो सबसे पहले उस रुकावट को दूर करना चाहिए। जीवन में अगर सफलता पानी है तो हमें आरामदायक जीवन छोड़कर उचित मेहनत करनी चाहिए, यही सफलता की कुंजी है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।